तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक आर ब्रांड लोगो बनाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर देखेंगे, एक हमने सेट इंसर्ट किया, इसको हम एडिट करके कुछ अच्छा तरीके से बना देंगे, जैसा कि आपने वीडियो स्टार्ट होने से पहले देखा था, बिल्कुल उसी तरह का हम इसको डिज़ाइन देंगे। और इसको हम देखेंगे कुछ इस तरीके से एडिट पॉइंट करके इसको एडिट करेंगे। ये देख सकते हैं, हम इसको अभी और पतला करेंगे, जैसे ये वाला भी है तो इसको और कुछ इस तरीके से पतला, हमें थोड़ा ऐसा ही दो हमें चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम दो चाहिए। एक बन जाएगा बस, तो उसके बाद आपका हो जाएगा उतना, उसके बाद ज़्यादा आपका बनाना नहीं रहेगा। तो एक देखेंगे, एक हमारा बन गया और इसी का एक डुप्लीकेट हमने बना लिया। इसको हम दूसरी तरफ से रोटेट कर देंगे और उसको कुछ इस तरीके से एक के ऊपर एक लगाएंगे, जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे आप। और इनको थोड़ा थोड़ा हम रोटेट कर देते हैं, जैसा कि इधर आप देख सकते हैं। और इसको हम कॉपी करेंगे, जैसे इसको पहले रोटेट कर लिया, इसको अब अगर कॉपी करेंगे और रोटेट करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हमको मिलेगा, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे। अभी ये तो हमारा हो गया, इसको थोड़ा हम बिल्कुल ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बिल्कुल एक जगह पे ला लेते हैं। ऐसे नीचे देख सकते हैं दोनों किनारा है, उनको एक जगह पे लेकर आएंगे और इनको सेंटर में बिल्कुल हम फिट करेंगे, जैसा कि सेंटर में आ चुका है। अभी इंसर्ट से एक और वही शेप हम लोग लेंगे और इससे भी कुछ अलग डिज़ाइन इसमें बनाएंगे, इसको भी हम लोग एडिट करेंगे और एक अच्छा इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। डिलीट पॉइंट कर दिया, इसको हम क्या करेंगे कि उसके नीचे हम इसमें अलग अलग ग्रेडियंट कलर को फील करके बिल्कुल स्टाइलिश इसको बनाएंगे, जैसा कि एक पॉइंट को हम रखेंगे यहाँ, ये हमारा दूसरा पॉइंट हमको चाहिए, इसको कुछ यहाँ पर लेकर जाना है और इसको ऐसे ड्रैग करना है और इसको भी थोड़ा नीचे ऐसे ड्रैग करते ही ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और अभी इसको हमें सही से बिल्कुल बना लेना है, अभी ये हमारा सही हुआ नहीं। और ये वाला जो लोग है ना, वाकई बहुत ही अच्छा लगता है, आप भी अगर बनाओगे तो बहुत अच्छा बनने वाला है ये, तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको हम थोड़ा सा और एडिट कर देंगे, बीच में हमारा गैपिंग थोड़ा हो गया है ज़्यादा, तो उसको थोड़ा कम करेंगे और सभी तरफ से इनको बराबर हम लोग कर लेंगे, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो में। ये हमारा इस तरफ भी है तो हम इसी को राइट साइड में भी करना है हमें, और उसके पूरा नीचे इसको थोड़ा छोटा छोटा करते करते पूरा नीचे की तरफ हमें छोटा छोटा करते करते इसको लेकर जाना है। और इसको भी आपको बिल्कुल ऐसा करना है ना कि उसके नीचे फिट हो जाए, फिर हम इसको डुप्लीकेट एक बना लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा करेंगे और इसको कुछ यहाँ पर लगाएंगे, इसके नीचे ये वाला जो हमने बनाया इसके नीचे कुछ इस तरह से लगाएंगे। अभी इसको भी डुप्लीकेट एक और बनाएंगे, आप कंट्रोल डी कर सकते हो या फिर कंट्रोल को प्रेस करके बस उसको ड्रैग कीजिए थोड़ा सा लेफ्ट बटन से, वो ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। इसको थोड़ा और रोटेट करेंगे और इसके पास में यहाँ पर लगा देंगे, देख सकते हैं ये कुछ हमारा अच्छा दिखने लगा है। अब ऐसे ही करते करते थोड़ा थोड़ा छोटा करते करते हम पूरा नीचे तक इसको बना देंगे, जिससे कि लास्ट में ये देखने पर बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि इसको भी हमने बना लिया, अभी इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसे भी हमें डुप्लीकेट करना है। कंट्रोल डी प्रेस कीजिए या फिर इसको थोड़ा सा ड्रैग कीजिए कंट्रोल को प्रेस करके, वैसे भी ये डुप्लीकेट होता है, लेकिन अगर ब्लैंक सीट पे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वो आपका क्या होगा कि फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसको भी अभी हमें और नीचे लेकर जाना है इसे, जैसा कि हम इसी तरफ से लेकर जाना है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट को फॉलो करके थोड़ा जूम कर लेना है आपको, जूम इन करना है और इसको थोड़ा छोटा करते करते पूरा नीचे लेकर चले आना है। बिकॉज जूम अप अगर करके इसको सही से फिट करोगे तो ये क्या होगा कि इस पर अच्छे से आपको दिखेगा और उसको एक्यूरेट आप इस पर लगा सकते हो, क्योंकि देख सकते हो ये अभी जूम करने पर इतना छोटा दिख रहा है, तो आप सोचो कि अगर ये जूम आउट होगा तब कैसा दिखेगा। तो इसी तरह हमने इस साइड जो बनाया है उसी को हमें ये राइट साइड में भी बनाना है,
जैसा लेफ्ट साइड में बनाया उसी को राइट साइड में, तो इसको हम क्या करते हैं थोड़ा अच्छे से अब इसको सही कर लेंगे। मतलब हमने तो उसको जैसा लगाना था वैसा तो हमने लगा दिया, लेकिन अब इसको अब बारी है फिट करने की। जैसे हमने इस तरफ फिट किया उसी तरफ सेम टू सेम हमें राइट साइड में करना है। तो पहले तो इसको हमने बना लिया, अब ये देख सकते हो यह बहुत अच्छा अभी दिख रहा है। अभी जब ग्रेडियंट कलर इसमें हम सब में कलर फिल करेंगे तब ये और अच्छा दिखेगा। उससे पहले कंट्रोल की को होल्ड करके सबको सेलेक्ट कर लीजिए, सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रुप कर दीजिए इसको, और इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ से हॉरिजॉन्टल कर देंगे। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल देख सकते हैं हो चुका है हमारा हॉरिजॉन्टल। ये हमको लग रहा है कि हमारा पूरा ये सेलेक्ट नहीं हुआ था, तो एक बार और इसको ग्रुप कर लेते हैं ग्रुपिंग, और उसके बाद अब इसको कंट्रोल डी करेंगे तब देखेंगे कि ये हमारा हो चुका है। अभी इसको रोटेट कर देते हैं हॉरिजॉन्टल, अभी ये देखेंगे कि दोनों तरफ से ये हमारा बिल्कुल बराबर हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमारा अच्छे से बन चुका है। अब इसमें बारी है हमारी कलर फिल करने की, जो कि अभी हम बताएंगे कि आप इसमें कौन कौन सा कलर अगर फिल करोगे तो अच्छा दिखेगा। तो आप क्या करोगे, फॉर्मेट शेप में आप ओपन कर लीजिए, यहाँ पे ग्रेडियंट पे चले जाइए, और इसमें आपको जो लेफ्ट साइड में आपको वाइट फिल कर लेना है। जैसे कि इसमें से कोई एक वाइट को चूज कर लीजिए, और यहाँ पर भी वाइट, मतलब वाइट और थोड़ा लाइट वाइट, उन्हीं सभी का आपको कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो ये बहुत अच्छा दिखेगा आपका। जैसे कि हमने इसको भी सेम कलर यूज किया, और यहाँ से ब्राइटनेस जो है इसको हम लोग थोड़ा बढ़ा लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 25 कर दिया हमने, तो अब ये ब्राइटनेस जो है इसका बहुत बढ़ गया। ब्राइटनेस जितना रहेगा ये और उतना ही अच्छा दिखेगा। हमने वो जो वाइट फिल किया उसके नीचे लेफ्ट साइड में जितना भी है उन सभी को हमें वाइट फिल करना है, और उसके नीचे जो है उन सभी को हम गोल्डन फिल करेंगे। तो उसका थोड़ा अगर यहाँ से प्रीसेट कर देंगे तो ये और अच्छा दिखेगा। आप अभी सोच रहे होगे कि इस पे वाइट कलर क्यों फिल कर रहे हो वाइट पेज पे, तो आपको ये लास्ट में समझ में आएगा कि लास्ट में वाइट फिल कलर करने पर क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि राइट साइड में गोल्डन और इसमें सब में वाइट फिल करना है। तो पहले अनग्रुप कर लीजिए सबको, एक बार और अनग्रुप आपको करना होगा क्योंकि हमने दो बार ग्रुप किया था, तो दो बार अनग्रुप करना है। तो अब एक एक करके सब में ग्रेडियंट कलर फिल कीजिए सबको। आप बस क्लिक कीजिए ग्रेडियंट पे चले जाइए, ये ऑटोमेटिक उसमें कलर फिल होता चला जाएगा। लेकिन आप अगर देखेंगे कि एक बार में अगर सबका करना चाहें तो वो अच्छे से आपका नहीं होगा, वो पूरा का पूरे में फॉर्मेटिंग होगा उसका। ये हमारा एक छूट गया, उसको भी हम यहाँ से कर लेते हैं कलर। तो देखेंगे कि हमने इस साइड का तो सारा कर लिया है कलर। अभी कंट्रोल की को होल्ड करके सबको सेलेक्ट कर लीजिए, जैसा कि हम इधर सेलेक्ट कर रहे हैं। एक एक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका कंट्रोल की से फिंगर हट गया तो वो सेलेक्ट होगा नहीं, तो पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब क्या करेंगे कि इसमें यहाँ से दे देंगे सबको प्रीसेट, आउटलाइन को पहले हटा दीजिएगा आप, उसके बाद ये अच्छा दिखेगा। फिर ये जो है इसमें हम गोल्डन कलर फिल करेंगे, तो यहाँ पर चले जाते हैं फिल में, और इसमें हम गोल्डन कलर करेंगे। तो यहाँ से गोल्डन कलर ये देखेंगे थोड़ा गोल्डन कलर ये आ रहा है, और बीच में येलो फिल कर देंगे। और अभी इसको हम ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे लगे कि गोल्डन कलर इसमें फिल है, थोड़ा थोड़ा आपको गोल्डन फील आ रहा होगा। यहाँ पर ब्राइटनेस हमने बढ़ाया, देखेंगे ब्राइटनेस को हम -25 करते हैं तभी तो ये गोल्डन कलर में आ रहा है। इसको भी अगर ब्राइटनेस कम करेंगे तब जाकर ये देखेंगे कि गोल्डन कलर इसमें आएगा। आप उसको ब्राइटनेस कम और ज़्यादा करके चेक कर सकते हैं कौन सा गोल्डन आपको अच्छा लग रहा है। और बाद में हम इसमें लिखेंगे, अभी जो हमें लिखना है टेक्स्ट। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर पहले इसको भी दे देते हैं कुछ ब्राइटनेस। ब्राइटनेस देने के बाद ये हमारा गोल्डन कलर इसमें आ चुका है, इसको भी इफेक्ट दे देंगे कुछ वैसा ही बोवेल टाइप में। हाँ, ये वाला बोवेल हमारा जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको भी हम क्या करेंगे कि सेम बोवेल दे देंगे। सेम सेम अगर रहेगा तो क्या होगा कि वो बहुत अच्छा दिखेगा। सेम टू सेम बोवेल से दोनों का दोनों एक ही जैसा रहेगा, तब जा कर के ये अच्छा दिखेगा। अब देखो कि बोवेल देते ही इसका जो भी अच्छा लगेगा, आप देख सकते हैं बोवेल देते ही दोनों सब यहाँ पर दिखने लगा अच्छे से।
अब यहाँ पर क्या कीजिए, सबको सेलेक्ट कर लीजिए सबको एक करके, और सबको इधर से दे दीजिए सेम प्रीसेट। वापस इन सभी को जो सिलेक्ट नहीं था उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अब इनको दे दीजिए प्रीसेट। अब देखेंगे कि ये कुछ अच्छी तरीके से अब दिख रहा है यहाँ पे, और साइड वाला भी पूरा गोल्डन जैसा दिख रहा है। तो इसको भी क्या कीजिए कि यहाँ से ग्रुपिंग हटा दीजिए, जैसा कि आपने ग्रुपिंग सबको किया था, तो अनग्रुप सबको कर दीजिए। अब एक एक पे क्लिक करके यहाँ से ग्रेडियंट करते जाइए। ग्रेडियंट पहले क्या करेंगे, अब ग्रेडियंट करेंगे उस पर क्लिक करके एक बार, और तो हो जाएगा ये ग्रेडियंट। आप बस क्लिक करते जाइए एक एक पे, एक एक क्लिक कीजिए, एक सेप पे ग्रेडियंट, फिर सेप ग्रेडियंट, वापस सेप पे क्लिक कीजिए ग्रेडियंट कर दीजिए, सेप पे क्लिक कीजिए ग्रेडियंट कर दीजिए, एक एक करके बस आपको ग्रेडियंट कलर कर देना है। फिर उसके बाद देखेंगे कि आपका सब में ग्रेडियंट कलर हो जाएगा। ये हमारा लास्ट है, सब में हमने ग्रेडियंट कर दिया है। अभी कंट्रोल की को होल्ड करके सबको सेलेक्ट कर लीजिए, और आउटलाइन को हटा दीजिए, और सबको यहाँ से दे दीजिए वही वाला प्रीसेट जो कि हमने उस वाले में यूज किया है, या फिर अलग भी देना चाहें तो अलग दे सकते हैं। देखेंगे कि हमने व्हाइट वाले में सब में सेम और इस वाले में सब में अलग अलग किया है, जैसे कि गोल्डन कलर में सेम और उसमें सेम। तो ये जो हमारा लोगो है ये कुछ बन के तैयार हो चुका है। इसको आप चाहे तो इधर आउटलाइन भी दे सकते हैं, या फिर व्हाइट कलर का ही आउटलाइन छोड़ दीजिए। ये इस तरफ से भी अच्छा दिख रहा है अभी, और अभी हमें इसमें लिखना भी है तो ये ब्लैक दे देंगे तो देखेंगे ज़्यादा डार्क हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे कि हम एक ले लेंगे पेज कलर, ब्लैक पेज कलर पे ये बहुत अच्छा दिख रहा है। जैसे कि यहाँ ब्लैक कलर पे देखेंगे तो ये गोल्डन है और वाइट है वो सब भी दिख रहा है। और अगर अब इसको ब्लैक कलर देंगे शेप्स को, सारे शेप्स को सेलेक्ट करके आउटलाइन ब्लैक कर देंगे, तब जाकर ये और भी अच्छा दिखने लगेगा। ये जब हमारा बन जाए तो आप इसको यहाँ बीच में जो खाली स्पेस है यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, या फिर जो भी आप लिखना चाहें। हम यहाँ पर आर लिख देते हैं, और इसको भी हम ग्रेडियंट फिल करेंगे जिससे हाफ पार्ट इसका दिखे वाइट और हाफ पार्ट गोल्डन। तो इसको आप अच्छे से इसमें फिल कर दीजिए कोई भी कलर, जैसा कि हम यहाँ पर इसको आर को लगा देंगे। थोड़ा हम छोटा भी कर सकते हैं फॉन्ट, ऐसी कोई बात नहीं है, इसको बस छोटा कर लीजिए अगर नहीं आ रहा है तो। और फिर इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिए, ऊपर से बस छोटा करेंगे तो ये ऊपर अपने आप फिट हो जाएगा। फिर इसको ग्रेडियंट कलर फिल कर दीजिएगा, लेकिन इसमें ऐसा कलर फिल कीजिएगा कि जो इसमें अच्छे से फील हो जाए। तो यहाँ से आप गोल्डन और वाइट का कॉम्बिनेशन यूज कीजिए, जैसे इस तरफ कुछ वाइट आप दे दीजिए और इस तरफ गोल्डन दे दीजिएगा। यहाँ पर वाइट हो गया इस तरफ सारा, ये हमारा हो गया वाइट। और अभी इसको मतलब जो भी इसका डायरेक्शन है उसको चेंज कर दीजिए, और इस तरफ गोल्डन दे दीजिए। अब देखेंगे थोड़ा थोड़ा गोल्डन उसमें दिख रहा है कि राइट साइड में गोल्डन है और लेफ्ट में वाइट है। हम यही चाहते थे कि एक तरफ पे वाइट दिखे और एक तरफ पे गोल्डन। तो इसके बाद जो हमारा लोगो होगा वो बहुत ही तगड़ा दिखने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारा इतना अच्छा लोगो बना तो इस पर एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। बस इसको इस तरफ आप लेकर लेकर चले जाइए, इसके बाद ये गोल्डन कलर होता चला जाएगा। आप अपने हिसाब से इसको मिक्सिंग कर सकते हैं। तो देखेंगे कि जो भी हमारा लोगो है वो तो बनकर रेडी हो गया। अभी हम इसमें कुछ और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसको भी हम थोड़ा दे देते हैं कोई प्रीसेट, इसको शैडो दे देते हैं। तो यहाँ शैडो का ऑप्शन खुल गया, इस पर शैडो देखेंगे, ये वाला हमारा तगड़ा दिख रहा है तो ये हमने इसको भी दे दिया यहाँ पे शैडो। शैडो देने के बाद ये अब हमारा जो है बन चुका है पूरा। अभी इसमें नीचे भी हमें कुछ लिखना है तो उसको भी अभी लिखेंगे हम। पहले इसको अच्छे से हम एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब इसको हमें बनाना है फुल 3D, तो हम 3D लुक ही देंगे। आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हो, लेकिन ऐसा अगर आप बनाओगे तो ये बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल इसी तरह का बनाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आप और आपके फ्रेंड्स सभी लोग ये लोगो बना सकें। और यहाँ पर आर हमने लिखा है तो आप अपने नेम का जो जो भी आपका अक्षर होगा उसको आप लिख सकते हो। और यहाँ पर हमें यही जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको यहाँ डुप्लीकेट बना लेते हैं, और इसमें हम लोग दूसरा चीज़ लिख देंगे। इसमें लिख देते हैं ब्रांड लोगो,
यानी कि आर ब्रांड लोगो, ये हमारा जो लोगो है ये बहुत ही, आपको अभी तक आपने यूट्यूब पर कभी ऐसा लोगो देखा नहीं होगा, जो कि हम यहाँ पर आपको बना कर दिखा रहे हैं। इसको साइज को हम बड़ा करके यहाँ पर लगा देंगे बस नीचे। ये लग जाने के बाद जो हमारा लोगो है ये बन के रेडी है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे अगर हमारे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।